फ्रेंड्स, मैं लायक अली तकमी हूँ। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम मल्टीपल प्राइस लेवल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है टैली में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि मल्टीपल प्राइस लेवल है क्या। अपने बिजनेस में क्वांटिटी के आधार पर अपने कस्टमर को दो रेट्स में गुड्स बेचा जा रहा है और हर रेट पे अलग अलग डिस्काउंट लग रहे हैं, तो ये सबका पूरा काम आपका मल्टीपल प्राइस लेवल के अंदर में आता है। चलिए एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाते हैं। फर्स्टली हम लोग टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड है, अल्ट डब्ल्यू से मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ये एक कंपनी एक ओपन है, अल्ट एफ थ्री से मैं इसको शट करूंगा। फिर क्रिएट कंपनी करूंगा। क्रिएट कंपनी मैं प्राइस लेवल के नाम से मैं कंपनी बना रहा हूँ। कंट्री इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पिन कोड में 823001 और स्टेट बिहार है, वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं F11 क्लिक करूँगा। F11 के बाद F2 क्लिक करूँगा। फिर यहाँ एक कॉलम है इनवाइसिंग में यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, उसको मैं यस करूँगा। यस करने के बाद फिर सेल्स मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, उसको भी मैं यस करूँगा। फिर यहाँ कंपनी प्राइस लेवल के अंदर चार क्राइटेरिया बनाएंगे, होलसेलर, रिटेलर, ओल्ड कस्टमर और न्यू कस्टमर। ये कंट्रोल ऐसे फिर हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हम लोग फिर इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम क्लिक करेंगे। स्टॉक आइटम में फिर आइटम क्रिएट करेंगे। मॉनिटर के नाम से मैं पहला आइटम बना रहा हूँ। अंडर में ब्रांड का नाम दे देता हूँ डेल। डेल को मैं सेव कर लेता हूँ। ग्रुप है ये और आप समझते होंगे यूनिट। यूनिट के फिर मैं पीस के नाम से बना ले रहा हूँ और कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर सीपीयू इसके अंडर डेल, फिर यूनिट पीसेस मैं कंट्रोल लेकर के मैं सेव कर ले रहा हूँ। और फिर यहाँ फिर मैंने प्राइस लिस्ट ओपन किया। यहाँ मैंने रिटेलर का सिलेक्ट किया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि चार आइटम में बना हुआ है, दो आइटम मैंने बाद में फिर बनाया था, कीबोर्ड और माउस। अब ये सेव करने के बाद फिर हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे, यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे। श्याम कंपनी के नाम से एक सेलर अकाउंट बनाते हैं। ये श्याम कंपनी अंडर सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा। कंट्रोल इसे और यह आप लोग देख रहे होंगे प्राइस लेवल एप्लीकेबल दिखा रहा होगा। रिटेलर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर सेल्स अकाउंट बनाएंगे, अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। फिर हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। F8 से हम लोग सेल्स का उसका वाउचर ओपन करेंगे। फिर यहाँ श्याम कंपनी पार्टी नेम सेलेक्ट किया, सेल्स लेजर सेल्स अकाउंट किया। फिर यहाँ फिर CPU पहला क्वांटिटी हम लोग डाला 42 पीस। बाकी सब जितने आइटम हैं CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चार आइटम हम लोग सेम ही क्वांटिटी पे रखेंगे। और यहाँ आप देखिए रेट खुद ब खुद आ जा रहा है और डिस्काउंट भी साथ में आ जा रहा है। सबके अलग अलग डिस्काउंट्स लग रहे हैं। और यहाँ रेफरेंस नंबर बिल वाइज डिटेल का मैंने दो दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। सेव करने के बाद फिर हम लोग बैक जाते हैं, फिर डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले के बाद डेबुक ओपन करते हैं। डेबुक ओपन करने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये अल्टरेशन का ऑप्शन है। ये सारे डिस्काउंट लगे हैं, आप देख लीजिए। ये PDF के तौर पे आपको दिखा दिया गया है। और अल्ट पी से हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं श्याम कंपनी के नाम से। और ये हम लोग फिर चेक करते हैं यूज़र अकाउंट में जाकर। यूज़र में फिर जाके फिर माय डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं।
माय डॉक्यूमेंट में, फिर यहाँ आपका पीडीएफ है, आप चेक कर लिए कितने क्वांटिटी मैंने खरीदे हैं और कितने डिस्काउंट लगे हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। We'll be right back.